ये जो आप देख रहे हैं ये है बटेर, ये देखिए आज मैं आपको खा के दिखाने वाला हूं। और ये है तंदूरी बटेर, मैंने अभी अभी इसका वीडियो बनाया, ये देखिए कितनी नरम है और कैसे बढ़िया तरीके से गल चुकी है। वीडियो बनाते बनाते मुंह में पानी आ गया था और इतनी शानदार हुई है ना जिसकी कोई हद नहीं है। ये है बटेर, आप इसको छोटा चिकन ना समझें, ये बटेर है। तो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा तंदूरी बटेर कैसे बनाते हैं, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो आपने क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है अगर आप तंदूरी बटेर सीखना चाहते हैं। तो मैं बनाने वाला हूं 3 बटेर, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको कैसे काटना है वो आपको बताता हूं, क्योंकि कोई भी आप खाना बनाते हैं तो उसकी कटिंग मालूम होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, पहले तो इसका सब कुछ अंदर से निकाल के साफ करके धो लेना है, जैसे कि मैंने धो लिया है। उसके बाद आपने इसमें लगाने कट, ये देखिए 1, 2, 3 छोटे छोटे 3 कट इधर, सेम 3 कट इधर, 1, 2, 3 देखा ना आपने। उसके बाद इसकी टांगे बहुत ही नाजुक है तो हल्का सा कट लगाना है, ये देखिए सिर्फ छुआना है, 2 और 1 कट यहां पर नस के पास, ये देखिए ये नस है ना, ये जरूर काटना है आपने बस, और 1 कट इधर, और हल्का सा जॉइंट पे ऐसे कट लगा दें। तो मैं अब क्या करूंगा, इसी तरीके से सारे कट लगा लूंगा, तो आपने भी ऐसे ही लगा लेना, ये नस जरूर काटना है, इस चीज का आपने रखना है ध्यान। ऐसे काटने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे फैले हुए बर्तन में डालना है इसको मैरिनेट करने के लिए। तो आपने इसमें सबसे पहले डालना है 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 पिंच ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 2 पिंच कसूरी मेथी पाउडर, 2 पिंच ये है पुदीना पाउडर, हम पुदीने को सुखा के पाउडर बना के रखते हैं, ये आपने जरूर डालना है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने देखिए ऐसे इसको बढ़िया से मिक्स कर देना है, अच्छे से इसके अंदर मसाले लगा देना, देख रहे ना आप, इसके अंदर तक से टेस्ट चला जाएगा और आपकी बटेर बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगी। देखिए ऐसे मैरिनेट करके आपने इसको रख देना है, कम से कम आधा घंटा रखें, कम से कम बता रहा हूं, आप चाहें तो एक दिन भी रख सकते हैं लेकिन आधे घंटे से कम ना रखें। उसके बाद आपने एक ऐसा पैन लेना है, पैन के अंदर आपने डालना है 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 6 साबुत लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 इंच सिनेमन स्टिक दालचीनी, 2 काली इलायची, 8 से 10 हरी इलायची, 1/2 से 1/2 जावित्री का फूल, 1/2 से 1/2 जायफल, 2 तेज पत्ते, 1 टीस्पून नमक। ये सारी चीजें डाल के आपने क्या करना है, इनको स्लो गैस में अच्छे से रोस्ट कर लेना है, रोस्ट करके आपने इनको मोटा मोटा पीस लेना है। अब मैं आपको पीस के दिखाता हूँ कि कैसा पीसना है, रोस्ट करने के बाद पीसें। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मैंने मसाला पीस लिया, तो आपने भी ऐसे ही पीस लेना है, इतना मोटा जरूरी है होना। मसाला पीसने के बाद आपने लेना एक ऐसी परात, और क्या करना है आपको दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले इसमें डालना है 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, और इसके अंदर आपने डाल देना है मसाला जो हमने पीस के रखा था, ये देखिए सभी डालने, बचाना नहीं है आपने। और आज आपने इसमें डालना है सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून हैंग कर्ड, ज्यादा ना डालें। उसके बाद आपने ऐसे मिलाना है अच्छी तरीके से, देखिए हैंग कर्ड डालना है सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून, फिर से बता रहा हूं क्योंकि हमने ज्यादा दही का मसाला नहीं करना है, मसाले में बनाना है सिर्फ, दही दही ना कर दें। और नमक इसमें मैंने डाल दिया, अगर आपको कम लगे तो आप टेस्ट करके अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ऐसे मिक्स करने के बाद आपने इसमें डाल देना है बटेर, ये देखिए ऐसे बटेर डाल दे। अब आपने क्या करना है, इसमें अच्छे से ये मसाला लगा लेना है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मल मल के लगा लें। अब आपको देख के कितनी प्यारी लग रही है, देखिए आपके मुंह में पानी आ जाएगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, जो मैंने मसाला बनाया ना उसके अंदर से, मतलब कलर भी बहुत ही बढ़िया हो गया। कलर आपने नहीं डालना है, नेचुरल जैसा भी कलर आए वैसा रखना है। देखिए ऐसे अच्छे से मसाला लगा देना जो हमने कट लगाए वहां भी, ये देखिए ऐसे। अब आपने क्या करना है, इसको कम से कम आपने आधा घंटा रखना है, ये आधा घंटा कम से कम है, आप ज्यादा भी रख सकते हैं, ये है आपकी मर्जी। अब बटेर बहुत ही अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है क्योंकि आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम इसको लगाएंगे सीख में,
सीख कौन सी लेनी है आपने, ये जानना बहुत ही जरूरी है आज, तो आपको लगाते हुए दिखाता हूँ। आज आपने सीख लेनी है ये पतली वाली, पनीर टिक्के वाली। आप सोचेंगे कि आज से पतली सीख बता रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि ये देख रहे हैं ना बटेर कितनी नाजुक है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो आप अगर इसमें यहां पर मोटी सीख डालेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगी। इसके लिए आपने पतली सीख लेनी है और ऐसे प्यार से लगा लेना है जैसे कि मैं लगा रहा हूं। देखिए इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट होती है ये, देख रहे ना आप कितना नाजुक है। तो ऐसे आपने लगाना है, सीख लेनी है आपने पतली। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से ये देखिए लगाना यहां पर है, सभी लगा लूंगा, आप भी ऐसे ही लगा लें। देख रहे ना आप कैसे मैं लगा रहा हूं, और फिर आपने यहां पर सीख निकालनी है। देखिए ऐसे ये जो गर्दन वाला पॉइंट है ना, यहां पर ऐसे निकालना है, ये देखिए इस तरीके से, देख रहे ना आप। तो मैं अब इसी तरीके से लगा लूंगा, आप भी ऐसे ही लगा लें। ऐसे लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको तंदूर के अंदर डाल देना है। और आज आपको ऊपर से मसाला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही मसाला है और हमने इसको लगाने में बहुत ज्यादा मेहनत की नहीं है। तो बस आपने ऐसे लगा के क्या करना है, सीधे ऐसे तंदूर के अंदर डालना है, इस तरीके से ऐसे डाल देना है ऐसे, और तुरंत आपने रख देना है इस पे ढक्कन। इसको पकाने का तरीका क्या है, आपने 6 मिनट के बाद इसको निकालना है, और हमेशा की तरह जैसे कि बटर या फिर घी लगाना है। आपको करके दिखाता हूं कैसे, कितना बढ़िया कलर हो गया 6 मिनट में, देख रहे ना आप। तो आपने करना क्या है, ऐसे यहां पर ये देखिए तंदूर के ऊपर ही रखना है, इस तरीके से ऐसे रख दिया। उसके बाद आपने इसमें प्यार से देसी घी लगाना है, देखिए ऐसे, देख रहे ना इस तरीके से अच्छे से लगाए देसी घी, बहुत ही बढ़िया। फिर आपने क्या करना है, इसको ऐसे टांगना है, इसी को ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा नीचे ज्यादा कलर आएगा। टांग दें, आपको टांग के दिखाता हूं, इस तरीके से आपने यहां पर टांग देना है, कम से कम 3 से 4 मिनट टांग के रखें। हमारे पास एक जगह होती है यहां टांगने की, हम बनाते हैं, लेकिन अभी वो लगी नहीं है, इसलिए मैं यहां पर टांग रहा हूं। टांगना जरूरी है, लेकिन आज ये ऐसे भी पक गई होगी, लेकिन प्रोसीजर होता है, क्या पता कभी कभार कुछ अंदर कच्चा रह जाए, इसलिए आपने टांग के रखना है। कितने मिनट, 3 से 4 मिनट। 4 मिनट बाहर टांगने के बाद आपने दोबारा से इसको डाल देना है ऐसे तंदूर के अंदर, और आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट पकाएं, 2 मिनट में बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। अब 2 मिनट हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है, अपने दिल को थाम के बैठना है। क्यों, क्योंकि मैं बटेर निकालने वाला हूं, मतलब मजा आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, देखे ना आप कैसे पक रही है, मतलब बहुत ही मजा आने वाला है आपको खाने में। इस तरीके से आपने बटेर को बनाना है। अब इसको सीख में निकालने का प्रोसीजर क्या है, आपने हमेशा की तरह आगे से अच्छे से सीख को साफ कर लेना है इस तरीके से, और ये देखिए ऐसे पकड़ना है प्यार से, और ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना जरूरी है। ये देखिए घुमा के लाके यहां छोड़ देना है, इससे क्या होगा सीख गर्म होती है तो ये और भी अच्छे से इसमें स्मोक का फ्लेवर आ जाएगा। और मैं डायरेक्ट प्लेट में निकालता हूं, ये देखिए ऐसे आपने निकालना है और ऐसे रख देना इस तरीके से, देख रहे हैं ना क्या मस्त लग रही है, मतलब मुझे तो बना के ना मजा आ गया, एकदम मजा बेहतरीन, देखिए लाजवाब। आपने इसके ऊपर डालना है हल्का सा चाट मसाला और थोड़े से धनिया के पत्ते। अब इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं, देख रहे हैं ना आप क्या चीज बनके तैयार हुई है, मजा आ गया, मुंह में पानी आ गया है। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी, आपके दिल को टच की, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए